हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का लॉस्ट टॉपिक होगा। आज के बाद हम इसको नहीं करेंगे, इसके बाद हम एवरेज टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आज का हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ही रहेगा, इसमें हम जो अंतिम के एक दो क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट टॉपिक बचा है, उसे ही डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो पहले के अपलोडेड क्लासेस है आप उन्हें भी देख सकते हो। जीके का सेशन भी कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे आपको मिलता है और इंग्लिश की बुक ऐप के लिए न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या बात उसमें करी जा रही है, पहले भी इसी के बेस पे क्वेश्चन हमने किए थे। आप भी जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपका कैसे जे क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, ठीक है, HCF और LCM किन्हीं दो नंबरों का कितना दिया जा रहा है हमें, 89,3780। ठीक है, अगर उनमें से एक नंबर कितना है 540 है, तो दूसरा नंबर हमने बताना है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, LCM, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, HCF के साथ। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर उसका जो आंसर है वो आता है। ठीक है, अब देखिए LCM जहां पे दिया हुआ है आपको 18 और HCF कितना दिया हुआ है 3780। आपके पास दो नंबर की प्रोडक्ट होती है, लेकिन एक नंबर उसमें से कितना दिया जा रहा है 540 और दूसरा नंबर हमने उसमें से फाइंड करना है, उसको n मान लीजिए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जो 540 है इसकी डिवीजन में आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3780, इसकी डिवीजन में कितना आ जाएगा 540। ठीक है, तो क्या होगा, इधर जीरो से जीरो चल बसेगा, इधर आपका एन आ जाएगा, एन आ गया। अब 54 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 7 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 18 को 7 से करोगे, 7 को 8 के साथ 56 आ जाएगा, 5 कैरी में, 7 को 7 के साथ 1 के साथ 7 और 5 आ जाएगा 12, यानी कि वो नंबर आ जाएगा आपके पास 126। जब भी आपको दो नंबर दिए हो, जहां आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, आपको थर्ड नंबर बोला हो, आपने एक जो फार्मूला रहता है मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम दिया था 18, एचसीएफ दिया था 3780 और दोनों नंबरों में से एक नंबर था 540 और दूसरा नंबर था n, से उसे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, जीरो से जीरो चल बसा और उसके बाद क्या आया, 18 की 7 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 126 इसका आंसर आ गया। तो इसे जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे 25, 73 और 97 को, लेकिन रिमाइंडर उसका सेम बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने HCF निकालना है किन नंबरों का, सबसे पहले आप क्या करोगे, 73 में से 25 को माइनस करोगे जो नंबर आएगा। ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आता है 8 आता है, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आता है 4, यानी कि 48 पहला नंबर आ गया। दूसरा नंबर क्या करोगे आप, 97 में से कितना माइनस करोगे आप, 73 को माइनस कर दोगे, 97 में से 7 को 3 में से करोगे तो 4 आ जाएगा और 9 को 7 से करोगे 2 आ जाएगा, दूसरा नंबर 24 आ गया। और थर्ड नंबर आ जाएगा 97 में से किसको करना है, 25 को ही करना है। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 24, 48 और 72, इन सब का आप क्या करोगे, HCF करोगे। सबसे पहले 48 को ब्रेक करिए, 2 को कितना आ जाएगा 24, 2 के साथ कितना आएगा 12, 2 के साथ कितना आएगा 6, 2 के साथ कितना आएगा 3 और 3 के साथ कितना आएगा 1। ठीक है, अब 24 को तोड़िए, 24 कैसे टूटेगा, 2 के साथ 12, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 72 आएगा, 2 के साथ करोगे 36, 2 के साथ करोगे 18, 2 के साथ करोगे 9, 3 के साथ करोगे कितना आएगा 3 और 3 को दोबारा 3 के साथ करोगे 1। ठीक है, कैसे किया, अब देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इस 2 को लिख लीजिए, फिर इसके बाद इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इस 2 को भी लिख लीजिए, इधर वाला 2, 2 और 2 आ गया, इसको भी लिख लीजिए। अब इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, यानी कि इधर नहीं आएगा, 3, 3 और 3, 3 भी एक बार आ जाएगा। ठीक है, 3 की 2 के साथ 6 और 2 की 2 के साथ 4, तो 6 को 4 के साथ करोगे 24, इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बड़े सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब भी आपके पास सेम रिमाइंडर लीव करना हो, आपने क्या करना है, जो
छोटा नंबर है उस नंबरों को माइनस करते जाना है जो बड़ा नंबर है। जैसे 73 इससे छोटा कौन था 25, इसको माइनस कर लिया। फिर 97 से छोटा कौन था 73, उसे भी माइनस कर लिया। लेकिन 97 से 25 भी छोटा था उसे भी माइनस किया। 73 से 25 जाएगा तो 48 आता है, 97 से 73 जाएगा 24 आता है, 97 से 25 जाएगा तो 72 आता है। सबका हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो इनके नंबर आए वो हमने लिख लिए, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट हमारा आंसर आया 24। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो नंबर 75 73 और 97 को डिवाइड करता है और उन्हें क्या कर देता है, रिमाइंडर उसका सेम का सेम लीव कर सकता है। नहीं तो आप इसे ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हो, 24 को इसके साथ डिवाइड करोगे वन रिमाइंडर आता है, 24 को इसके साथ करोगे 24 को 3 के साथ 72 आ जाता है तो एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। फिर 24 को आप किसके साथ करोगे 4 के साथ 96 आता है, वन रिमाइंडर आ जाता है। ऐसे भी ऑप्शन के जरिए भी आप इसे कर सकते हो। अगर 21 से करोगे 3 रिमाइंडर, 21 से करोगे 73 आता है, वो रिमाइंडर कोई नहीं बचा। ऑप्शन के जरिए भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। 24 जैसे ऑप्शन के जरिए करना हो, 25 को 24 डिवाइड करेगा कितना बच जाएगा वन रिमाइंडर, उसके बाद 73 को 23 डिवाइड करेगा, 23 को किसके 24 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ 72 आ जाता है वन रिमाइंडर, उसके बाद आया 97, 24 को 4 के साथ करेंगे तो 96 आता है वन रिमाइंडर बच गया। ऑप्शन के माध्यम से भी आप इसे कर सकते हो। नहीं तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस, 73 में से 25, 97 में से 73, लेकिन 97 से छोटा कौन है 25, उसे भी माइनस कर रहा है। जो माइनस करके नंबर आएंगे उनका HCF यानी कि फैक्टराइज करना है, फिर सबका HCF फाइंड करके जो रिजल्ट आएगा वो सबसे छोटा स्मॉलर लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन नंबरों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर उसका सेम बचना चाहिए। इसे सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। HCF आपने बताना है 5, 10 और 25 का। और क्या जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर का HCF बताना हो तो ऊपर वाले जो नंबर हो उनका HCF करना है और नीचे वाले नंबरों का क्या करना है LCM लेना है, ठीक है। तो 5, 10, 25 का आप सबसे पहले HCF ले लीजिए। 5 का फैक्टर तोड़ोगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई, और 10 के फैक्टर तोड़ोगे 10 कितना आता है 5 को 2 के साथ 10 आ गया, और 25 को तोड़ोगे 5 को 5 के साथ और 5 को 1 के साथ, यानी कि इतना कन्फर्म हो गया आपका HCF कितना आएगा, इसका 5 ही आएगा। ऊपर इन दो ऑप्शनों में से कोई इसका नंबर आ रहा है, ठीक है, 5/18 या 5/36। और नीचे वाले नंबरों का LCM ले लीजिए, 6, 18 और 36 इनका LCM कर लीजिए। सबसे पहले 6 के साथ जाएगा, 6 को 1 के साथ 6 को 2 के 3 के साथ 18 और 6 को 6 के साथ 36। अब 3 के साथ चला जाएगा 1, 3 को 2 के 3 को 1 के साथ 3 को 2 के साथ, अब 2 के साथ 1, 1, 1, 6 को 3 के साथ 18 और 2, 36, यानी कि 5/36 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसे जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एलसीएम निकालना है। जो ऊपर वाले नंबर है न्यूमिरेटर इनका एलसीएम करोगे और नीचे वाले नंबरों का HCF फाइंड करोगे। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में होमवर्क में करके बताना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, इस पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।